नमस्कार दोस्तों, मैं सोमवीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक शो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्लो रोड के बारे में। ग्लो रोड के को जो भी बंदा प्रमोट करता है वो यही कहता है कि आप 50,000 रुपये तक घर बैठे कमा सकते हो। हालांकि मैं ऐसे दावे नहीं करूँगा कि आप 50,000 रुपये तक कमा सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ग्लो रोड के ज़रिए से किस किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हो, कैसे अर्निंग कर सकते हो, कितनी अर्निंग कर सकते हो, इसी बारे में बात करेंगे। मैं ये दावा नहीं करूँगा कि आप 50,000 रुपये तक महीने के कमाओगे, लेकिन हाँ, अगर आप इस पे काम करते हो, रेगुलरली काम करते हो, तो कुछ ना कुछ आप अर्न कर सकते हो, चाहे वो 1,000 रुपये का अमाउंट हो, चाहे 2,000 का हो, चाहे 10,000 का हो। वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे आप काम करते हो, कितना आप टाइम देते हो इस ऐप को, कितनी आप मेहनत करते हो। तो बने रहना वीडियो में आखिर तक। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमारे चैनल को ग्रो और हमें मोटिवेट होने में बहुत मदद मिलती है। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हो, ग्लो रोड के बारे में आपने कभी नहीं सुना है, तो मैं आपको अगर ये बताऊँ कि ग्लो रोड ऐप क्या है, तो सबसे पहले ये जान लो आप कि ग्लो रोड एक रीसेलिंग ऐप है। रीसेलिंग का मतलब ये होता है प्रोडक्ट ऑलरेडी इस वेबसाइट पे हैं या फिर इस ऐप पे हैं, बस आपको उन्हें सेल करवाना है, उन्हें बिकवाना है, चाहे वो आप अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर, किसी से भी बिकवाओ, वो प्रोडक्ट आपको बिकवाने हैं, सेल करने हैं, और उसके बदले में आपको कमीशन मिलेगा, वही आपकी अर्निंग होगी। चलो ग्लो रोड ऐप में चलते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आप किस किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहले ऐप में आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर का सिंपल सा प्रोसेस है और इसके मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है अपने चैनल पे रेफर एंड अर्न की। उसमें मैंने सिर्फ यही वाला टॉपिक कवर किया है, रेफर एंड अर्न से कैसे आप पैसे कमा सकते हो, लेकिन इस वीडियो में डिटेल ट्यूटोरियल होने वाला है। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होगा, लेकिन आपको नॉलेजबल होगा, समझ में आएगा कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इससे अर्निंग करनी है। अर्निंग के लिए सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, यही वाला। स्टेप बाय स्टेप सारे बताऊँगा मैं आप कैसे इनको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले इस पे जाते हैं, ब्रांड डील पे। यहाँ पे ब्रांड डील है। ये ब्रांड डील का मतलब क्या होता है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये ब्रांड डील को इन्होंने 3 पॉइंट में समझाने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले पॉइंट में है, शेयर ब्रांड डील ऑन व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप पे ब्रांड की डील। ब्रांड का मतलब यही होता है, ये शॉपिंग वेबसाइट्स जो होती हैं, इनके काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं, उन्हें आप प्रमोट करो अपने व्हाट्सएप के ज़रिए और सेल करवाओ, मतलब बिकवाओ, तो उसका ये कमीशन देंगे। यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट में लिखा है, योर कस्टमर विल बाय डायरेक्टली ऑन ब्रांड वेबसाइट। सीधा वेबसाइट से जाके, जो ब्रांड वेबसाइट है उसी पर जाके परचेज करेगा वो बंदा, और उसका आपको कमीशन मिलेगा। ये तीसरे पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है। तो ब्रांड का मतलब यही हो गया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, वॉट, वाव यहाँ पे दिए हैं, मतलब 100+ ब्रांड हैं इनके पास, जिन्हें आप शेयर कर सकते हो डील को, और उसके ज़रिए से जो भी आपका कमीशन बनेगा यहाँ पे मेंशन करा हुआ है इन्होंने। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे की कोई भी अगर डील शेयर करते हो या फिर सेल करवा पाते हो अगर आप, तो आपको 9.6 का प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार से अगर आप मिंत्रा का करवा पाते हो तो यहाँ पे 6.6% का मिलेगा। और भी यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पे अप टू 20 रुपीज़, इस पे अप टू 14%, अलग अलग टाइप के हिसाब से आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे कि मान के चलो मुझे ये वाला शेयर करना है, मामा अर्थ वाला, ये यहाँ से शेयर करना है। यहाँ से शेयर पे जाओगे, व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे, नंबर व्हाट्सएप पे करना चाहो व्हाट्सएप पे कर दो, या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आपकी ज़्यादा ऑडियंस है वहाँ पे आपको लगे कि बंदे परचेज करेंगे या बाय करेंगे, तो वहाँ से आप शेयर कर सकते हो इन ब्रांड डील को। और यहाँ पे ये जो आपकी कमीशन है या प्रॉफिट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अप टू 14% मिलेगा। तो ये फिक्स नहीं है कि 14% मिलेगा, ये प्रोडक्ट के हिसाब से होगा कौन से प्रोडक्ट पे कितना दिया जाएगा। तो यहाँ से ये तो हो गया ब्रांड डील, ठीक है। ब्रांड डील का मतलब समझ गए होगे कैसे यहाँ से अर्निंग करनी है आपको,
और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस हैं इनकी, ये आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में आते हैं हम प्रोडक्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे प्रोडक्ट वाला सेक्शन है, यहाँ से हालांकि अर्निंग नहीं है लेकिन यहाँ से आप फ्री प्रोडक्ट ले सकते हो अपने लिए। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैं बता देता हूँ। इनवाइट फ्रेंड, पहला प्रोसेस इनवाइट करना है आपने अपने दोस्त को किसी को, और उसके बाद में वो फ्रेंड आपका एक ऑर्डर करेगा 300 रुपये या 300 रुपये से ऊपर का। उसके बाद में एक क्रेडिट मिलेगा आपको, क्रेडिट के बदले में आप ये वाले प्रोडक्ट जो हैं वो आप फ्री में परचेज कर सकते हो। जैसे कि ये वॉच है, ये 3 क्रेडिट में मिलेगी, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि 1 क्रेडिट पे भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। जैसे ये स्टार्ट हो गए यहाँ से, जैसे ये योगा मैट है, ये 1 फ्रेंड क्रेडिट पे मिलेगा। मतलब 1 फ्रेंड को अगर आप कर पाते हो रेफर करके, या फिर यहाँ से इनवाइट, ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से इनवाइट करोगे। इनवाइट करने के बाद में जब वो बंदा ज्वाइन करेगा आपके लिंक से ज्वाइन करके, और वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेगा 300 रुपये का, तो आपको ये वाले कोई भी प्रोडक्ट आप बिल्कुल फ्री में ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से तो ये फ्री वाला हो गया, फ्री स्टोर है ये। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट दिख रहे हैं बस आपको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, उन्हें ऑर्डर करने के लिए बोलना है, और जो रिटर्न पीरियड है वो निकल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहोगे वो फ्री में मिल जाएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, ये वाला यहाँ पे है डेली गिफ्ट वाला। डेली गिफ्ट वाला भी समझा दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये है स्क्रैच डेली विन अप टू, मतलब 10,000 रुपये तक इसमें विन कर सकते हो। ये एक्चुअल में है क्या वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये कैशबैक है, लेकिन ये कैशबैक अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं या आप लोगों को बताऊं तो ये बेस्ट ही है, बिल्कुल बेकार ही है, क्योंकि ये अर्न करना भी बिल्कुल आसान होता है, यूज़ ज़्यादा नहीं होता है इसका, 5% यूज़ होता है। कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं तो उसमें 5% का यूज़ कर सकते हैं हम। अगर आपको ज़्यादा करना है तो इनकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, तब उसके बाद में आप 7% यूज़ कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऑर्डर वैल्यू पे ये अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे बस यही है, चेक इन वाला सिस्टम है। आप चेक इन शायद जानते होंगे, डेली चेक इन करनी है आपको यहाँ पे। अगर आप 7 दिन चेक इन करते हैं तो हो सकता है कोई बड़ा अमाउंट मिल जाए, लेकिन इसमें वही मैंने बताया यूज़ नहीं कर सकते, टोटल सिर्फ 5% यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेली आना है आपको, डेली आने के बाद में स्क्रैच पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक स्क्रैच कार्ड आपको मिलेगा, ये डेली से आपका हो जाएगा। ऐप ओपन करने के लिए भी मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 रुपये, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अब आते हैं दूसरे वाले स्टेप पे। यहाँ पे ये वॉलेट वाला है जो अभी मैंने बताया, कैशबैक वाला, जो आप अर्न करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 190 रुपये दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सपायर भी होता है, एक महीने से 3 महीने की वैलिडिटी होती है इसकी ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद में ये एक्सपायर भी हो जाता है। इसका ज़्यादा वो नहीं है, कुछ बेनिफिट नहीं है, ये एक हिसाब से बेस्ट ही समझो, क्योंकि 5% यूज़ होता है। अगर मान लो कोई ज़्यादा यूज़ होता जैसे 50% या 60%, तो एक हिसाब से सही भी था ये। तो 5% यूज़ होता है तो मेरे हिसाब से बेकार ही है। तो ये वॉलेट वाला हो गया, वॉलेट वाला सेक्शन भी आपने देख लिया। यहाँ से रेफर वाला है, ये रेफर वाला मैं स्किप करूँगा क्योंकि मैंने रेफर वाले पे पहले ही एक वीडियो बना दी है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो, वो भी एक सबसे बढ़िया तरीका है। अब अगर आप करना चाहते हो तो वो भी वीडियो मैंने ऊपर लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। और जो लास्ट में सबसे है ये शॉप वाला, मेन अर्निंग का ज़रिया यही है। अगर आप यहाँ से अर्निंग करना चाहते हो तो यहीं से ये शॉप वाले सेक्शन से ही कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक शॉप क्रिएट करनी पड़ती है। शॉप का मतलब ये होता है कि आप अपनी यहाँ पे शॉप क्रिएट करोगे। शॉप क्रिएट करने के बाद में कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे इस ऐप में 500 रुपये का है वो प्रोडक्ट, तो आप उसको अपनी शॉप में उस प्रोडक्ट पे अपना कमीशन सेट कर सकते हो। जैसे 500 का है तो आप अगर 600 रुपये का बेचना चाहते हो उस प्रोडक्ट को, तो आप 600 रुपये डाल के और उसे किसी भी फ्रेंड को शेयर करोगे तो उसे जो
प्राइस 100 होगी वो 600 रुपये ही होगी, लेकिन प्रोडक्ट वो 500 का है तो आपको 100 रुपये की अर्निंग यहाँ से हो जाएगी। चलो मैं करके भी दिखा दे रहा हूँ, शॉप क्रिएट करके यहाँ से क्रिएट ऑनलाइन शॉप वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ यहीं पे क्लिक करके यहाँ पे एक नाम देना है अपनी शॉप का। यहाँ पे नाम मैंने दे दिया है, इसके बाद में क्रिएट शॉप करेंगे, हो चुकी है। और उसके बाद में यहाँ पे एक लिंक भी मिल चुका है आपको, ठीक है, लिंक मिल चुका है। और इसके बाद में मैनेज शॉप पे जाएंगे, यहाँ पे अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो भी आप प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो अपनी शॉप में, एक शॉप मतलब यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है और जो भी प्रोडक्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होते हैं प्रोडक्ट, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ से सर्च भी कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड मोर प्रोडक्ट है, इसी पे जाना है आपको। यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो आपके मर्जी के अकॉर्डिंग, जो आप सेल करना चाहते हो बेचना चाहते हो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी शॉप में। जैसे कि मान लो मुझे ये वाली टी शर्ट, मैन टी शर्ट ऐड करनी है, और यहाँ पे ऐड करने के बाद में यहाँ पे परसेंटेज जो आपका मार्जिन है, कितना मार्जिन लेना चाहते हो, जैसे 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो इस पे बाई डिफ़ॉल्ट 15% का होता ही होता है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हो, पर 15% का मतलब ये होता है अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है और आप 15% का मार्जिन लगा रहे हो कोई भी प्रोडक्ट पे, तो वो 115 रुपये का बिकेगा और जो 15 रुपये बनेंगे वो आपके अकाउंट में आएंगे और बाकी के 100 रुपये जो प्रोडक्ट है जिसका उसके पास जाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कितना मार्जिन आपको रखना है कितना नहीं रखना है, आप प्रोडक्ट के हिसाब से भी रख सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर सस्ता है कोई प्रोडक्ट तो उसको उसी हिसाब से महंगे भी रख सकते हो। जैसे मान के चलो अगर मुझे यहाँ पे 30% रखना है, जैसे कि 100 रुपये का अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो मुझे 30 रुपये मिलने चाहिए, तो यहाँ पे 30% मैं सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद में ऐड टू शॉप कर लूँगा, तो ये प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। 30% का मार्जिन मिलेगा अगर मैं इसे इस प्रोडक्ट को सेल कर पाता हूँ तो। यहाँ पे शेयर कलेक्शन वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसी पे जाके आप चाहो तो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हो आपकी ऑडियंस है, या आप खुद भी लेना चाहते हो तो खुद भी कर सकते हो, कुछ ना कुछ कमीशन आपको यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से मिल जाएंगे। या आप अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर किसी को भी शेयर करना चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं सेल कर सकता हूँ, तो आपको आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका है अर्निंग करने का, तो इस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। समझ गए हो गए ये कैसे काम करता है। अगर आप यहाँ से व्यू शॉप पे करोगे तो यहाँ पे छोटे मोटे ऑफर चलाए जाते हैं, हमेशा चलते ही रहते हैं, और ये लोग सपोर्ट भी करते हैं, जो भी बंदा यहाँ पे काम करना चाहता है उन लोगों को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं उन लोगों को, कस्टमर सपोर्ट भी अच्छा है इसका। तो मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन हाँ इतनी गारंटी है कि आप अगर इसे यूज़ करोगे तो सच में कुछ ना कुछ अर्निंग कर पाओगे आप। तो ये ऑफर यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे ये मेरी शॉप का नाम आ चुका है, ठीक है, ये पोस्टर आ चुका है, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो इसे, आप बढ़िया सी लुक दे सकते हो। उसके बाद में जो भी मैंने प्रोडक्ट ऐड करे हैं वो यहाँ पे, जो भी ऐड करूँगा मैं या फिर करे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले सेक्शन में। अगर आप दिन के 4-6 डील भी कर पाते हो या फिर सेल, तो भी यहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग कर ही सकते हो। वैसे भी आजकल हालात पता है, वैसे भी बहुत से लोगों के काम नहीं चल रहे, तो यहाँ पे आके आप बड़े ही आसानी से घर बैठे काम कर सकते हो, कुछ अर्निंग कर सकते हो। और फिर से होम पेज पे जाते हैं, ये मेरी शॉप का पेज है, यहाँ से होम पेज पे जाते हैं। अगर आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो प्रोडक्ट में यहाँ पे कैटेगरी में जाओगे, इन प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी शॉप में ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, चाहे वो ब्यूटी के हों, बेबी के हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों, कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो उस पर कमीशन जो भी आप सेट करोगे वो आपको मिलेगी। बस आपको सेल करवाना है, जितने ज़्यादा आप सेल करवा सकते हो उतनी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो इस ऐप से। अब आप ये सोच रहे होगे कि अर्निंग आएगी कहाँ पे और कैसे हमें शो होगी हमने कितनी अर्निंग करी है, तो अर्न वाला यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इसी पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी टोटल अर्निंग आ जाएगी,
जो भी आपने अर्निंग करी है यहाँ पे, टोटल अर्निंग ऑर्डर, ठीक है, जो कुछ भी होगा यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, जितनी भी आप अर्निंग करोगे, जितने भी आप प्रोडक्ट सेल कर पाओगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे अकाउंट वाले सेक्शन में जाना है, माई अकाउंट में। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट अपना ऐड कर सकते हो, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल दोगे यहाँ पे, जो भी जैसे बैंक अकाउंट हो गया, री एंटर अकाउंट नंबर, होल्डर नेम और ये IFSC कोड, ये सारी चीज़ें डाल के सबमिट कर दोगे, ये सेव हो जाएगा यहाँ से। और जो भी अर्निंग करोगे आप इसी बैंक अकाउंट में आएगी। तो अगर यहाँ पे अर्निंग की अगर बात करूँ, 50,000 नहीं हो सकता है, अगर ज़्यादा आप काम करो तो 50,000 से ज़्यादा भी कमा लो। काम के ऊपर है कितना काम करते हो आप, कितने प्रोडक्ट सेल कर पाते हो, तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग हो जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 1,000-2,000 रुपये महीने भी कमा लोगे तो भी मान लो अपना पॉकेट मनी तो हो ही जाएगा, जेब खर्च तो हो ही जाएगा। सही, आप फ्रेंड सर्कल में डील्स यहाँ से शेयर कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, अब मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो कमेंट करो नीचे, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। और फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखना अपना भी और अपने परिवार का भी।